अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वेंसडे विजडम सीरीज। और आज जिस माइंड गेम की हम बात कर रहे हैं वो है टेंपर टेंट्रम एंड स्पेशली एडल्ट टेंट्रम्स। और बहुत सारे मुझे इस पे क्वेश्चंस आए हैं, मैसेजेस आए हैं, बिकॉज दैट वाज माय टॉपिक फॉर दिस लास्ट फ्राइडेज लाइव। हमने इस पे बहुत डिटेल में बात की थी। और आज की वेंसडे विजडम सीरीज में मैं ये आपको बताऊंगी कि जो है लोग जब ऐसा करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज़ द वाइज थिंग टू डू। तो अब सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो इंसान टेंट्रम थ्रो कर रहा है उसके अंदर जो है ये मसला है, उसके साथ जिसका हमें एहसास होना ज़रूरी है, उसके साथ ये मसला है कि वो जो है इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट। जो वो कहना चाह रहा है वो कह नहीं पा रहा, क्योंकि वो नहीं कह पा रहा इसलिए वो टेंट्रम थ्रो कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि उसकी जो मैनेजमेंट ऑफ हिज ओन इमोशंस, कि उसका अपने जज्बात पे ही काबू नहीं है, वो अपने ही इज़ नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट, वो जज्बाती तौर पे ज़हीन नहीं है। और वो इस या उसको सिखाया नहीं गया या उसको पता नहीं है या उसे सीखा नहीं जा रहा कि वो कैसे अपने जज्बात को काबू में रखे और अपने आप से बाहर ना आए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो इंसान के अंदर ये दो चीज़ें हैं तो इसलिए हम उसे वो करने दें जो वो करता है। अब हमें इसमें क्या करना चाहिए? तो जब कोई इंसान टेंट्रम थ्रो कर रहा होता है तो सबसे पहली चीज़ जो हमने करनी है वो ये कि हमें उससे इंगेज नहीं करना। वी आर नॉट गोइंग टू इंगेज विद दैट पर्सन, क्योंकि वो इस वक्त एक फ्रस्ट्रेटेड हालत में है, नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है। और अगर हम उससे इंगेज और कम्युनिकेट या रिस्पॉन्ड करेंगे तो हम भी उसके उस जो है साइकिल में या उसके उस चुंगल में फंस जाएंगे और फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो पहली चीज़ हमें इंगेज नहीं करना। दूसरी चीज़, हमें काम रहना है। वी हैव टू स्टे काम एंड ट्राई टू लिसन टू देम, एम्पथाइज, उनकी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करें, उनका एहसास करें। और वाइल दे आर थ्रोइंग अ टेंट्रम अपने आप को बताएं कि देखो इस बेचारे को तो अपने इस बात पे काबू ही नहीं है, ही डजंट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशंस, और इसे पता ही नहीं है बात करनी कैसे है, कम्युनिकेट कैसे करना है। तो जब आप ये बातें सोचेंगे तो आप ऑटोमेटिकली गुस्से में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा कर रहा है इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। दैट इज़ द स्टाइल ही इज़ पिकिंग अप और शी इज़ पिकिंग अप टू कम्युनिकेट। ये उसने चूज़ किया है ये स्टाइल कम्युनिकेट करने का, ठीक है? तो मे बी वो उसके लिए एक शॉर्टकट है कि अच्छा बस मैं गुस्सा कह करके चीख धाड़ के बात अपनी मनवा लूँगा। क्योंकि ये आपने सोचा होगा कि स्पेशली इन आर कल्चर, अगर कोई हम किसी को कहते हैं कि आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, आप चीख धाड़ क्यों रहे हैं, आराम से बात करो, तो उसको ये बात इसलिए समझ नहीं आती बिकॉज उसको लगता है उसने कुछ गलत ही नहीं किया। बिकॉज पोलाइटली बात करना, हम्बल और आराम से बात करना जो है हमारे माशरे में इसको ज़्यादा जो है अच्छा नहीं समझा जाता, और समझा जाता है कि जो लोग गुस्से वाले हैं, गुस्से से बात करते हैं, उनका रोब है, उनका कंट्रोल ज़्यादा है। तो ये एक माइंडसेट है जिसको आहिस्ता आहिस्ता चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप नोटिस करें कि अगर आप किसी को आराम, प्यार, तमीज़ से किसी बात से मना करेंगे, देर नॉट गोइंग टेक योर नो फॉर एन आंसर। वो आपके नहीं को नहीं नहीं समझेंगे और वो फिर भी वही करना चाहेंगे जो वो करना चाहते हैं, ठीक है ना? तो इन बातों पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी में हैं जो टेंट्रम थ्रो करते हैं, उनके ऊपर रहम खाएं और उनके लिए दुआ करें और अपने आप को बताएं कि उसके इस बिहेवियर की वजह आप नहीं हैं। इट इज़ देयर चॉइस, देयर एन एडल्ट, दे कैन चूज विच एवर वे टू कम्युनिकेट। अगर आप उनकी सिचुएशन में और आपके साथ वो सब चीज़ें शुरू हो वही हों जो उनके साथ हुई हैं, एम्पथाइज करने की कोशिश करें कि तो क्या आप भी अपने आप से बाहर निकल जाएंगे, क्या आप भी अपने जज्बात पर काबू ना रखते हुए जो है एक टेंट्रम थ्रो करेंगे और अगले बंदे को, घर के माहौल को, हर चीज़ को जो है वो ख़राब करेंगे। सो इन बातों पे ज़रूर सोचें और वाइजली सोचें। और अगर, और मैं ये समझती हूँ कि अगर आपके बच्चों में ये चीज़ है तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उस पर काम करें। क्यों ये लोग टेंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं या जो भी चीज़ें कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम जो है, जो उनके पेरेंट्स हैं या जो उनका माहौल है, उन्होंने इस बात को आइडेंटिफाई नहीं किया और इस बात को समझा नहीं है कि ये कोई गलत बात है, ठीक है ना? इट्स एक्सेप्टेड, ठीक है, कोई बात नहीं। आप कहते हैं ना कि गुस्सा तो आता ही है, ये तो नॉर्मल ही है, मगर वही गुस्सा आप किसी अथॉरिटी पे क्यों नहीं निकालते? वही टेंट्रम आप अपने बॉस के आगे क्यों नहीं थ्रो करते? तो इन बातों पे ज़रूर सोचें एंड दे आर वेरी मीनिंगफुल पॉइंट्स टू थिंक अबाउट। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वेंसडे टू वेंसडे हमारा विजडम अबाउट दिस ह्यूमन बिहेवियर बढ़ता चला जाएगा। सो कीप डूइंग व्हाट मैटर्स एंड अल्लाह हाफिज़।